सनसनी ऑफ इंडिया। सरोजिनी नगर थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले को 40 घंटे के अंदर सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समलैंगिकता और ब्लैकमेलिंग के चलते कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। दरअसल दुकानदार और मृतक नौकर के बीच समलैंगिक रिश्ते थे। मृतक नौकर ने आरोपी दुकानदार का एक अश्लील वीडियो बना लिया था, जिसे लेकर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसी वजह से हत्या की साजिश रची गई। दुकानदार ने अपने भतीजे और उसके दोस्त की मदद से वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तम नगर निवासी 36 वर्षीय प्रेमवीर उर्फ प्रेमी, जो कि सरोजिनी नगर मार्केट में कपड़े की दुकान चलाता है, 21 वर्षीय परविंदर और 21 वर्षीय रोहित के रूप में की गई है। परविंदर और रोहित खुर्जा बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जबकि मृतक की पहचान झारखंड निवासी 22 वर्षीय शमशेर खान उर्फ अली के रूप में हुई है। साउथ वेस्ट दिल्ली के DCP गौरव शर्मा ने बताया कि 29 जनवरी 2022 को थाना सरोजिनी नगर में एक युवक के बेहोश पड़े होने के बारे में सूचना मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने जब बेहोश व्यक्ति को हिलाया डुलाया तो पता पड़ा कि व्यक्ति मृत है। मृत व्यक्ति के गले पर निशान मिला, जिसको देखने से लग रहा था कि किसी ने उसका गला दबाकर मारकर यहां फेंक दिया है, क्योंकि मौके पर किसी भी प्रकार के स्ट्रगल के निशान नहीं थे। पुलिस टीम के लिए यह एक पहला क्लू था, जिसके आधार पर थाना सरोजिनी नगर में हत्या का मामला दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 29 जनवरी की दोपहर को हमारे को एक कॉल रिसीव हुई कि एक आदमी जो है अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। इमीडिएटली SHO सरोजिनी नगर और ACP सफदरजन जो है मोशन में आए। ऑलरेडी सारे लोग वैसे भी फील्ड में थे, तो टीम हमारी जल्दी से पहुंची और जाकर वहां पे देखा तो एक आदमी अनकॉन्शियस पड़ा था, और जब उसको एग्जामिन किया तो पता लगा वो डेड था, और उसके गले में एक निशान मिला जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला घोंटने के बाद उसको यहाँ पर मार के फेंक दिया है, क्योंकि मौका जो था वहाँ पर कहीं पर भी स्ट्रगल के निशान नहीं थे। ये हमारा एक पहला क्लू उसके अंदर बना, जिसके आधार पर हमने काम करना शुरू करा। मौके से मृत व्यक्ति के शव के पास कोई ID प्रूफ नहीं मिला था। साउथ वेस्ट दिल्ली के DCP गौरव शर्मा ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुझाने के लिए VKPS यादव, ACP सफदरजंग एनक्लेव की सुपरविजन व देवेंद्र कौशिक, SHO सरोजिनी नगर थाना के नेतृत्व में ATO विनीत मलिक, ASI प्रवीण, ASI राजेश और कांस्टेबल संदीप की एक टीम का गठन किया। जांच टीम की काफी कोशिशों के बाद शव की पहचान झारखंड निवासी 22 वर्षीय शमशेर खान अली के रूप में हुई, जो दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट स्थित प्रेमवीर उर्फ प्रेमी नामक दुकानदार की दुकान पर काम करता था। बहुत सारी टीमों का इमीडिएटली हमने गठन किया और उस मृत व्यक्ति की पहचान जो है शमशेर अलियास अली के नाम से वो लड़का पहचाना गया, और हमने ये पाया कि सरोजनी नगर के ही एक दुकान में वो लड़का नौकरी करता था। पुलिस ने शव मिलने वाले स्थान पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला। पुलिस टीम को जांच में ये भी पता लगा कि मृतक शमशेर खान को आखिरी बार दुकान मालिक प्रेमवीर के साथ देखा गया था। प्रेमवीर CCTV फुटेज में सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के पास उस जगह पर देखा गया था, जहां से कुछ दूरी पर उसके नौकर शमशेर खान का शव मिला था। मोबाइल सर्विलांस में भी यही बात सामने आई। CCTV फुटेज के आधार पर दुकान मालिक प्रेमवीर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने काफी चौंकाने वाले खुलासे किए, और पता लगा कि प्रेमवीर अलियास प्रेमी के साथ में उसके शारीरिक संबंध थे, दोनों दुकानदार और मालिक के आपस में, और शारीरिक संबंध के चलते कुछ वीडियोस, ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस भी जो डिसीज है उसने अपने मालिक के साथ में बना के रखे हुए थे, और उन वीडियोस के बलबूते पे अब वो इनको ब्लैकमेल करने लगा था। दुकान मालिक प्रेमवीर उर्फ ने खुलासा किया कि उसके अपने नौकर शमशेर खान के साथ समलैंगिक रिश्ते थे। उसके नौकर ने शमशेर खान ने उसके साथ अवैध संबंध बनाते समय गुपचुप तरीके से उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। मृतक शमशेर खान दुकान मालिक प्रेमवीर उर्फ को ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए की मांग कर रहा था, और पैसे नहीं देने पर वो वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा था। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर दुकान मालिक प्रेमवीर ने अपने नौकर शमशेर खान की हत्या की साजिश रची। योजना को अंजाम देने के लिए दुकान मालिक प्रेमवीर ने यूपी के खुर्जा जिला निवासी अपने भतीजे परविंद्र से मदद मांगी और उसे दिल्ली बुलाया। 28 जनवरी 2022 की शाम प्रेमवीर का भतीजा परविंद्र अपने दोस्त रोहित के साथ खुर्जा से टैक्सी बुक कर दिल्ली आया था। आरोपी प्रेमवीर ने यूसुफ सराय मंदिर वाली गली में स्मार्ट इन होटल के सामने 21 एल मांगे लाल जिंदल कॉम्प्लेक्स में AK गेस्ट हाउस की 3री मंजिल पर A3 और A4 नंबर के 2 कमरे बुक किए। प्लान के मुताबिक प्रेमवीर का भतीजा परविंद्र और उसका दोस्त रोहित कमरे में रुके थे, जबकि प्रेमवीर मृतक शमशेर खान को लेने सरोजिनी नगर बाजार गए था।
प्रेमवीर के भतीजे परविंद्र और उसके दोस्त रोहित ने गेस्ट हाउस में कपड़े टांगने के लिए बंधी नायलॉन की रस्सी को खोलकर अपने पास रख लिया। लगभग 8:30 बजे प्रेमवीर अपने नौकर शमशेर खान के साथ गेस्ट हाउस पहुंचा। गेस्ट हाउस पहुंचकर आरोपी प्रेमवीर मृतक शमशेर खान के साथ बैठकर बात करने लगा। तभी योजनानुसार पीछे से आकर परविंद्र ने नायलॉन की रस्सी से शमशेर खान का गला घोंट दिया और रोहित ने भी मफलर से उसका गला दबा दिया। 5-10 मिनट की स्ट्रगल के बाद उन सभी ने मृतक पर काबू पा लिया। डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए शव को एक बड़े आकार के ट्रॉली बैग में रखने लगे, लेकिन शव सूटकेस में फिट नहीं हो रहा था। उन्होंने मृतक शमशेर खान के जूते और जैकेट उतारकर शव को ट्रॉली बैग में रखा। शव को ट्रॉली बैग में रखकर उसी टैक्सी में लाद दिया जिसे खुर्जा से पविंदर ने किराए पर लिया था। टैक्सी को सरोजनी नगर बाजार की ओर ले जाकर सरोजनी नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक सुनसान जगह पर ट्रॉली बैग को फेंक दिया और उसे प्लास्टिक की चादर से ढक दिया। कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों प्रेमवीर के साथ ही खुर्जा वापस चले गए और अपने साथ मृतक का मोबाइल, पर्स और दूसरा सामान भी ले गए। कुछ सामान उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास फेंक दिया। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने दोनों आरोपियों की तलाश में खुर्जा में छापेमारी की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया कि उन्होंने 19 जनवरी को पीड़िता को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन पुलिस की भारी तैनाती को देखकर अपनी योजना टाल दी और 28 और 29 जनवरी की मध्यरात्रि में इसे अंजाम दिया। टैक्सी चालक 24 वर्षीय ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उससे कहा था कि ट्रॉली बैग में कपड़े हैं। मुख्य आरोपी प्रेमवीर की सरोजिनी नगर में कपड़े की दुकान है और वो शादीशुदा है। उसके 2 बच्चे भी हैं। आरोपी पविंदर ITI कर चुका है और अभी स्नातक कर रहा है, जबकि तीसरा आरोपी रोहित पेशे से पेंटर है। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में।